हेलो कैंसर्स, वेलकम बैक एनिग्मा हिंदी चैनल पे। मैं हूँ एनिग्मा। आज आप लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी मई 2024 का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर सन मून राइजिंग जो भी वीनस साइंस में है कैंसर, क्रॉस वॉचर्स भी इसको देख सकते हैं। लेट्स सी द मैसेजेस। लव करियर मनी हेल्थ ओवरऑल जनरल रीडिंग है। सो कुछ चीज़ें हो सकता है रेजोनेट ना करें आप लोगों के साथ। पर्सनल रीडिंग जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में। ईमेल के थ्रू आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे enigma.in पे। वहाँ पे फ्री हॉरोस्कोप चेकआउट कर सकते हो और क्रिस्टल रील्स देख सकते हो। क्रिस्टल्स खरीदने के लिए जो कि प्योर हैं और एनर्जाइज रहेंगे उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, और स्पेल्स के लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो जो कि 100% वाइट प्रेयर बेस्ड स्पेल्स हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कैंसर्स मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं। ऑलराइट, सो पहला मैसेज है किंग ऑफ वांड्स, दूसरा मैसेज है एट ऑफ वांड्स, तीसरा मैसेज है एम्प्रेस। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्सन आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अट्रैक्शन है बहुत, आपको फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो इन पर्सन के साथ। आपका ये है कि जो भी पर्सन हो वो बहुत ज़्यादा केपेबल हो, मैरिज के लायक हो, तो आप कन्फ्यूज्ड हो इनको मैरिज को लेकर। लेकिन ये पर्सन वो हैं जो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, पैशनेट है, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है, गुड लुकिंग है, इनकी बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है, आपको पसंद है ये। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई और है जो मेरे लायक है, कोई और पर्सन हो सकते हैं, तो आप इनको शायद वेट पीरियड पे डाल रहे हो। आपको श्योर नहीं है क्योंकि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लगता है ये आपको चीट कर सकते हैं फ्यूचर में। सो ये आपका परफेक्ट मैच नहीं है, आप अपने लिए परफेक्ट मैच देख रहे हो। कैंसर एनर्जी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, बट एरी सैजिटेरियस लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, और उसके अलावा मुझे टॉरस दिख रहा है, वर्गो, स्कॉर्पियो और लियो। ठीक है, सो अब मुझे क्या लग रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो कैंसर, और आप इतने केपेबल हो गए हो कि आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपके उतने लेवल पे नहीं है, आप उनसे ज़्यादा हो। ठीक है, सो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, और आप अपने लिए एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और ऑप्शंस रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड थ्रू आउट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मतलब इनका तो इंटरेस्ट जा ही नहीं रहा आपसे, सो आपके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसे स्टॉकिंग वाला, स्पाइंग वाला लग रहा है और आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म कर रहा है। ठीक है, जब आप इनसे बात नहीं करते तब इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो हो सकता है कि आप मई मंथ में देखोगे कि आप इनसे बात नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा अटेंशन आपको अपने करियर में, अपने काम में, अपने पैसों पे देनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत पूरी कोशिश करेंगे आपकी अटेंशन ग्रैब करने की। हो सकता है आपके वर्क प्लेस से हो, बट इनका पैशन इतना ज़्यादा आपको लेकर, ओ माई गॉश, इट्स लाइक आई कॉन्ट बिलीव इट। बट उनको ये डर है कि आप उनकी लाइफ से जा रहे हो, आप उनको छोड़ के जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर है कि आपको खोना दे। ठीक है, आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है, या उनको लग रहा है कि आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो। सो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने की, आपसे बात करने की, लेकिन आप अभी भी कन्फ्यूज्ड हो, श्योर नहीं हो, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो इनके साथ फील नहीं हो रहा कैंसर। आपको लग रहा है शायद कोई और इनसे बेटर हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन आपके और इनके बीच में आ रहे हैं, और हो सकता है इनके दिमाग में आपके खिलाफ बातें डाल रहे हैं, तो आपके बारे में रूमर्स स्प्रेड किए जा रहे हैं। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो इनके दिमाग में गलत बात डाल रहे हैं आपके बारे में, जैसे कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। आई फील कि ईदर वेज आपको ज़्यादा फोकस है अपनी पर्सनल वेलबींग को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर, तो आपका इंटरेस्ट इतना क्योंकि है नहीं है। तो ये पर्सन जो हैं अगर लड़ते भी हैं आपसे तो आपके लिए इट्स लाइक ओके, आप मूव ऑन कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी न्यू बिगनिंग पे फोकस करना चाह रहे हो, इन पर्सन पे फोकस नहीं करना चाह रहे, बिकॉज यू फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एस ऑफ पेंटिकल्स सन, आपकी लाइफ में ना कोई न्यू बिगिनिंग आने वाली है, मई में ही कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। जो कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है वो तो अलग से आपके पीछे पड़े हुए हैं, एंड यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मुझे लगता है कुछ लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग के केस में क्या है
कि पुरानी स्टोरी हो चुकी है, अब आप उस बारे में नहीं सोचते, बट मई में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, एक नई बिगनिंग आने वाली है जो कि आपको बहुत खुश करेगी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। आपको कोई प्रमोशन, कोई हाइक, आपको ड्रीम जॉब, आपका एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिख रहा है, आपका वीज़ा लगता हुआ या गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई दिख रही है, जो कि आपको इतनी खुश करेगी ना, आपको इतना मज़ा आएगा सुन के। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन पास से आपकी तरफ आ रहे हैं एक मैरिज प्रपोज़ल लेके। हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, लेकिन अब इन्होंने सोच लिया कि आप ही से मैरिज करेंगे। कुछ लोगों के केस में आप अभी भी मिस करते हो किसी को पास से, वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, पर जो भी आपके पास आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करने की या आगे बढ़ने की, बट कोई बीच में आ गए या फिर इन्होंने अपने आप को रोका बिकॉज मे बी रिलीजन का डिफरेंस था, बैकग्राउंड का डिफरेंस था, तो ये पर्सन आपके बिना मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी कि को वो ये पर्सन आपके पास वापस आ गया, लेकिन अब आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा इस चीज़ का कि आप इनको एक चांस दे सकते हो या फिर आप इनसे मैरिज कर सकते हो। तो हो सकता है कि खुशी सी मिलेगी आपको कि ये पर्सन ने रियलाइज़ किया फाइनली कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट वो अट्रैक्शन, वो पैशन आपके अंदर ख़त्म हो चुका होगा, ये आपको लगेगा। एक और लवर आने वाले हैं जो काफ़ी रिच होंगे, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आपके और उनके बीच में स्टेटस डिफरेंस होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इधर वेज आई एम सीइंग के आपकी तीन ऑप्शंस आपकी तरफ आने वाले हैं, और तीनों में से कोई एक पर्सन है जिसको आपको चूज़ करना ही पड़ेगा मैरिज के लिए, और आप, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों ऑप्शंस मैरिज के लिए आ रहे हैं, आपने किसी को चूज़ नहीं किया, आप आगे बढ़ गए, वेरी वियर्ड, ओके, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशूज़ हैं एंड आपको ऐसा पर्सन भी चाहिए जो केपेबल हो, अपने पैरों पर खड़े हों और इनसिक्योर भी ना हो, अनकंफर्टेबल भी ना करें, आप में इंटरेस्टेड भी हो, रोमांटिक भी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके डिज़ायर्स और ड्रीम्स हैं जो मुझे नहीं लगता कि मई में आपको ऐसे पर्सन मिलेंगे जिनसे आप मैरिज कर जाओगे या जिनके साथ आप सेटल हो जाओगे, बट एक चीज़ ज़रूर है कि तीन ऑप्शंस आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं और आप तीनों को ही मना कर दोगे क्योंकि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको लगेगा मैनिपुलेट कर रहे हैं मुझे, ऑनेस्टी नहीं फील होगी आपको इनसे, इसलिए आप मूव ऑन करोगे इन तीन ऑप्शंस से। सो दैट्स अबाउट इट, आई होप आपको पसंद आई, एंड ज़रूर करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आगे आप इंग्लिश चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो कैंसर की रीडिंग आज की, और स्कॉर्पियो रीड के लिए स्कॉर्पियो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा ताकि और ऐसी रीडिंग्स डेली बेसिस पे बन पाए। आई सी यू बैक अगेन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको और किस तरह की रीडिंग्स चाहिए इस मंथ में। सी यू बैक, बाय।